गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच केवी हो जो सारे मैं उम्मीद कर दी हाँ कि सारे वधिया होणगे और सब नू मेरे वालों प्यार भरे सत श्री अकाल। सो मोस्ट वेलकम है जी सब दा अपने यूट्यूब चैनल ते। सो मस्तली लाइक शेयर सबसक्राइब कर दिया करो अगर थोनों वीडियोज़ वधिया लगन तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने चैनल नू सबसक्राइब कर सकते हो तुसी। ठीक है, सो जिवें कि थोनों पता ही है अज जो है मिति, अज वैसे 10 है, इन्होंने 9 पा रखी है। चलो कि जो 6-35 असामिया भरन लई जो पंजाब 18 उम्मीदवारों की पात्रता विदहेल्ड एलीजिबल की चोन सूची मिति नू योग होए है उन्होंने उन्होंने जोड़ा है स्टेशन चोन का जोड़ा पोर्टल है वो ओपन हो चुके है। ठीक है, वो अपनी जी वैकेंसी लिस्ट में अपनी पसंद है जिन्हें मर्जी स्टेशन अपनी आई डी भर सकते हैं तो स्टेशन चॉइस है। ठीक है, तो इतने मैं थोड़े कुछ डाउट्स लैके आई सी। बलदेव सिंह लाडू जी का कमेंट है, मैम जी 6-35-63 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ 12-12-87 है, एनी चांस 87 डेट है थोड़ी तो आ तो सकता है, लेकिन हजे तक जर्नल की कोई भी इन्होंने नैक्सट लिस्ट सैकेंड लिस्ट जी हैगी है वो हले नहीं क्ढी, मेक श्योर कि वह क्ढन जल्दी तो जल्दी। ठीक है, बिल्लू पुनिया जी का कमेंट है, गुड इवनिंग मैम ईटीटी की वधिया बुक दसो जी जिस विच ईटीटी सैकेंड एग्जाम की तैयारी हो सके फ्रॉम एचआर मीनस फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, मतलब कि ईटीटी सैकेंड एग्जाम वास्ते एज सच स्पैशल जिहड़ियां है एक बुक के सारे सबजैक्ट्स कवर हो जाए योजी बुक मैं प्रैफर नहीं करती परसनली। अगर मैं थोनों दसा तो तुम हर एक सबजैक्ट की अलग अलग बुक रखो अपने को, एको बुक सिर्फ एमसीक्यूज़ दे सकती है थोनों, तुसी एमसीक्यूज़ उत्थे प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन जो कंटेंट है वो थोनों जोड़ा है अलग अलग बुक्स चो पढ़ना चाहिए। जैसे मैथ्स वास्ते तो अलग है ऑब्वियस जी गल है, साइंस वास्ते अलग है, एसएसटी वास्ते तुसी पीएससीपी दे अलग पढ़ रहे हो 9th 10th दियाँ, साइंस वास्ते तुसी एसचन पढ़ रहे हो हिंदी एसचन या फिर तुसी पीएससीपी जो भी तुसी प्रैफर कर सकते हो, और जो हिंदी इंग्लिश है उन्हां वास्ते तुसी पीएससीपी 10th+1+2 सारियां मतलब नू कवर कर रहे हो। एक पंजाब एजुकेयर ऐप नू देखना ना भुल्यो क्योंकि उहदे विच भी 9th 10th दे ज़्यादा तो ज़्यादा एमसीक्यूज़ हुंदे तो उहनू भी तुसी नाल नाल लगाई जाने हैं क्योंकि कई बार उहदे चों ही क्वेश्चन जिहड़े है बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब एजुकेयर ऐप तो जिन्ने भी एमसीक्यूज़ है ना तुसी उहनू ना छड्डियो, एसएसटी दे चाहे साइंस दे तो चाहे मैथ। ठीक, हुण आने जी आपां अपने थंबनेल दे 6-35 की अज मैं गल करूँगी। तुहानू पता है जिवें कि 6-35 के जिहड़े विदहेल्ड तो विदहेल्ड वाले तो एलीजिबल होए आ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडीडेट्स उन्होंने जिवें कि तुहानू पता है स्टेशन अलॉटमेंट की चॉइस आ गई, तो बाकी लिस्ट कदों मेनली कि जो लिस्ट बाकी दियाँ जैसे डी रिजर्वेशन होनी है सैकेंड लिस्ट आनी है वो कदों तक प्रोसैस हो गया, 6-35 हले भी बहुत वैकेंसीज पई हैं तो डी रिजर्वेशन कदों होगी, बाकी लिस्टा कदों आनगियां। देखो जिवें कि तुहानू पता है 10 नवंबर अज हो चुके और अज ईटीटी 99 भरन की लास्ट डेट है, हले तक कोई भी ऑफिशियल नहीं आया कि हाँ भी नैक्सट डेट तक एक्सटेंड होएगा या नहीं होएगा। बाकी देखो होप्स उन्होंने कहा सीगा कि तुसी एक बार फॉर्म फिल करो, चलो अपने फॉर्म भी फिल हो गए, सिलेबस मे बी इस हफ्ते जिमें कि अज हो गया वीरवार, हूँ तो शुक्रवार का दिन रह गया शनिवार क्योंकि सैकेंड सैटरडे की छुट्टी है, तो अगले हफ्ते आ सकता है, कल भी देखने मिल सकता है अपनों। ठीक है, मे बी कि कल सिलेबस आ जाए, सिलेबस की गल छोड़ो तो अपनी सैकेंड लिस्टा देखो, हम सैकेंड लिस्ट जी है वो आनी बहुत जरूरी है क्योंकि काफ़ी कैंडीडेट्स दुविधा के ने, उन्होंने एवं कि साढ़ा 6-35 नंबर आ जाए तो जरनल वाले बेसिकली ज़्यादा क्योंकि जरनल वाले बेचारे हमेशा पीसे जाते हैं, तो मैं यही कहूँगी जर्नल दी हले तक सिर्फ 66 तक गई है, 65-64 वाले 63-62 वाले जिहड़े मतलब बैठे है, तो मैं कहूँगी कि जर्नल दी लिस्ट कढ़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जर्नल वाले दी एससी वाले दी बीसी वाले दी सब दियाँ डाउन जाएगी मैरिट, और एक एक दो दो नंबर डाउन जाके भी जिन्ने भी कैंडीडेट्स रहिंदे उन्होंने बुलाया जाए जल्दी तो जल्दी ताकि उन्होंने जिहड़ा है स्क्रूटनी का प्रोसैस शुरू हो सके क्योंकि उन्होंने तो हले स्क्रूटनी भी नहीं हुई। क्लीयर, डी रिजर्वेशन होके ही आप समझ सकते हैं कि मैरिट डाउन जाएगी क्योंकि आफ्टर डी रिजर्वेशन काफ़ी वैकेंसीज खाली पई हैं। ठीक है, सो मैं थोनों उस दिन भी दस्या सीगा 1500 तो वैसे ही खाली ने, तो तुम मान के चलो 1700-1800 वैकेंसीज हजे भी खाली पई हैं, मतलब खाली पई हैं सीट्स हले भी। ठीक, सिलेबस अपडेट जिवें कि मैं थोनों दस चुकी हाँ कि सिलेबस जिहड़ा हैगा वो कल भी आ सकता है अगले हफ्ते भी आ सकता है, सो देखते हैं जी कदों तक अपना जोड़ा 99 का सिलेबस आता है, और अगर पी एस टैट हूँ वालू इन्होंने कंसीडर किया 99 के फिर जो अपना पेपर है वो फरवरी मार्च हो सकता है, अगर नहीं तो फिर
जनवरी के एंड तक भी हो सकता है, जनवरी च भी हो सकता है, दिसंबर के एंड च भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते। ठीक, सो ये अपडेट्स, उम्मीद करते हैं तुम्हें वधिया लगी होगी। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।